फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, तो सून शॉर्टली इन ए फ्यू मोमेंट्स, टुमारो प्रेजेंटली नेक्स्ट डे ईयर मंथ वीक या इस जैसे निकट भविष्य में होने वाले शब्दों के साथ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। फ्यूचर एक्शन एक्सप्रेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर एक्शन भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी व्यक्त कर सकते हैं, बट इट इज मोर डेफिनेट एक्शन, लेकिन ये बहुत अधिक निश्चित एक्शन होता है देन द एक्शन एक्सप्रेस इन द फ्यूचर इनडेफिनेट। तो दे आर कमिंग टुमैरो मीन्स यानी कि वे कल आ रहे हैं, मतलब दे विल कम टुमैरो, वे कल निश्चित आएंगे। यूज सेल विथ फर्स्ट पर्सन एंड यूज विल विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, तो आई और भी या जो फर्स्ट पर्सन है उनके साथ सेल और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यू ई सी इट दे के साथ हम विल का यूज करते हैं। जब वाक्य में धमकी दृढ़ निश्चय अनिवार्यता का बोध हो तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल व सेकेंड व थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। इसमें दृढ़ निश्चय धमकी अनिवार्यता वादा जैसे शब्द आते हैं। तो निकट भविष्य की संभावनाओं में टुमैरो विल बी मंडे, कल सोमवार होगा, तो यहाँ पर होगा के अर्थ में बर्ड्स विल बिल्ड देयर नेस्ट, पक्षी अपना घोंसला बनाएंगे, तो आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ्यूचर इंडेफिनिट का उपयोग कर रहे हैं। क्लाउड ऑफ कंडीशन और टाइम वाले वाक्यों में कंडीशन या टाइम वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है, जैसे आई शैल गो टू मार्केट इफ इट रेन्स, तो ये इफ कंडीशनल है, तो ये वाला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। एज सून एज द टैक्सी अराइव्स, जैसे ही टैक्सी आएगी हम चले जाएंगे, तो यहाँ पर सेंस किसका आ रहा है, सेंटेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन सेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का ले रहे हैं। प्लेस ऑफ गोइंग टू, तो आई एम गोइंग टू बाई ए टीवी, मैं टीवी खरीदने जा रहा हूँ, तो आई सेल एम गोइंग टू को हटाकर सेल बाई ए टीवी। गोइंग टू का प्रयोग कार्य के शीघ्र होने को व्यक्त करता है जबकि सिंपल फ्यूचर कार्य के भविष्य में होने को व्यक्त करता है। फ्यूचर एक्शन हेतु अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, तो द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, तो ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। इज आर एम टू बी वन के द्वारा भी फ्यूचर एक्शन को व्यक्त किया जा सकता है, जैसे आई एम टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। कैन मे मस्ट तथा लेट वाले वाक्यों से फ्यूचर एक्शन का पता चलता है, जैसे ही कैन डू दिस वर्क, वह इस कार्य को कर सकता है, कब भविष्य में। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट मस्ट रेन, वर्षा होनी चाहिए। लेट अस गो टू मार्केट, आओ बाजार चल।